देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। नरसिंहपुर तेंदुखेड़ा में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तूफानी प्रचार करते हुए 3 सभाएं की, जिनमें दोपहर सली चौका में गौतम पटेल के पक्ष में जनता से वोट की अपील की, तो शाम को तेंदुखेड़ा में मुलायम सिंह के लिए जनता से वोट मांगे और देर शाम गोटे गांव में एक जनसभा कर वहां के प्रत्याशी डॉक्टर कैलाश जाटव को जिताने की अपील की। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज काफी रंगीले और चुटीले अंदाज में जनता से अपनी बात रखते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशियों के समर्थन में आम सभा को संबोधित किया और सीएम शिवराज ने मंच से कहा कि कमलनाथ उठपटांग बयान देते हैं, हे कमलनाथ क्या होगा, क्यों बौखला रहे हो, क्यों बरगला रहे हो, हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, तुम्हारे 54 साल से हमारे 15 साल बेहतर हैं, तुम हमसे हिसाब मांग रहे हो जबकि कांग्रेस विनाश करती है, हम विकास करते हैं। वहीं कांग्रेस के गुस्से वाले विज्ञापन पर कहा, क्या आपका मुझ पर गुस्सा आता है, पर कांग्रेस को गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हम लगातार विकास कर रहे हैं और 15 साल से हमने इन्हें सत्ता से दूर रखा है। वहीं दिग्विजय सिंह पर बोले कि अब जब तक रहा दिग्गी जलती रही डिब्बी। उन्होंने जहां मोदी जी की तारीफ की, वहीं राहुल गांधी पर बोले कि राहुल बाबा को कुछ नहीं पता कि गेहूं की वाली नीचे लगती है या ऊपर लगती है। उन्होंने किसानों के कर्ज माफी के कांग्रेस के दावे को झूठा बताते हुए कहा कि कांग्रेस जनों ने राज्यों में सत्ता में है, वहीं किसानों का कोई कर्ज माफ नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, कांग्रेस को सबक सिखाइए, कमल के फूल की बटन दबाइए और उन अपराधियों को भी बताइए जो जनता को कुचलने का काम कर रहे हैं कि जनता जागरूक हो चुकी है। मुलायम भैया को अपना विधायक बनाइए और शिवराज सिंह चौहान के जिम्मे विकास की जिम्मेदारी सौंप जाइए। बोलिए आप सब तैयार हैं? एक स्वर में बताएं सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, मुलायम भैया को विधायक बनाएंगे, शिवराज को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो संकल्प लीजिए कि चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक कांग्रेस को हराना दे और भारतीय जनता पार्टी को जिताना दे। हम घर नहीं लौटेंगे, सोने खाने जाएंगे, लेकिन चुनाव में दिनों रात। खबर समय जगत के लिए अंकित पटेल की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।